नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका UP24 न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ अंशु। बात करते हैं हमीरपुर के ददरी हत्याकांड की, जिसका मुख्य आरोपी को पुलिस ने उसकी पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, आरोपी को संरक्षण देने वालों को भी जेल भेजा गया है। साथ ही पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त देसी राइफल को भी बरामद किया है। बता दें, कोतवाली क्षेत्र के ददरी गांव में 8 दिन पहले पूर्व प्रधान व उनके पुत्र की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी व उसकी पत्नी सहित 3 को गिरफ्तार किया है। हत्यारोपी से वारदात में प्रयुक्त अवैध राइफल भी बरामद हुई है। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। बता दें कि 3 नवंबर को ददरी गांव के पूर्व प्रधान पृथ्वीराज सिंह यादव और उनके बड़े पुत्र जितेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि गोली लगने से गंभीर घायल उनके छोटे पुत्र धीरेन्द्र का झांसी में उपचार चल रहा है। घायल धीरेन्द्र ने राम सेवक संजय सारथी, पत्नी संजय, कपिल लड्डन, पत्नी राम सेवक पूजा, पत्नी कपिल, बल्लाय निवासी प्रदीप, सूरज बाई कन्या के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। कोतवाली प्रभारी के पांडे ने बताया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय पुत्र राम सेवक व उसकी पत्नी सारथी को पथनौड़ी व कैथी के बीच से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दबाव बढ़ने पर उक्त दोनों कहीं भागने की फिराक में थे। वहीं आरोपियों को शरण देने वाले महोबा के शंकु नगर भटीपुरा निवासी दशाराम पुत्र बदन सिंह को भी जेल भेजा है। 8 नवंबर को पुलिस ने नामजद आरोपी लुड्डन, पत्नी राम सेवक व पूजा, पत्नी कपिल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इन्हें शरण देने वाले लोधामऊ निवासी रविकरण पुत्र राम कृपाल व चिल्ली निवासी निजाम मोहम्मद पुत्र पीर बख्श को भी जेल भेजा था। हत्याकांड के 5 नामजद आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बताया कि उसने अवैध राइफल से पूर्व प्रधान व उनके दोनों पुत्रों पर गोलियां चलाई थी। निशाना इतना चूक था कि पूर्व प्रधान पृथ्वीराज सिंह व उनके बड़े पुत्र जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि छोटे पुत्र धीरेन्द्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। कोतवाल ने बताया, आरोपी ने शार्प शूटर की तरह गोलियां चलाई थी। आरोपी का ये भी कहना है, विवाद होने पर उसकी मां ने घर के अंदर से राइफल लाकर उसे दी थी। वहीं पूर्व प्रधान हत्याकांड मामले में 2 मासूमों को भी अपने परिवार के साथ जेल जाना पड़ा। राम सेवक, उसकी पत्नी लुड्डन, पुत्र संजय व कपिल, बहू सारथी व पूजा सहित 9 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने राम सेवक की पत्नी लुड्डन, पुत्र संजय, बहू सारथी व पूजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राम सेवक व कपिल अभी फरार चल रहे हैं। गिरफ्तारी के वक्त कपिल की पत्नी पूजा की गोद में 2.5 वर्ष की पुत्री पलक और संजय की पत्नी सारथी की गोद में 1.5 वर्ष का पुत्र कृष्ण था, जिनके देखभाल के लिए कोई न होने पर दोनों मासूमों को भी अपनी मां के साथ जेल जाना पड़ा है। हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए जिला संवाददाता जयशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट। यदि हमारे स्पेशल रिपोर्ट, बाकी की छोटी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहिए UP24 न्यूज के साथ। नमस्कार।